चीनी कंपनी अलीबाबा के संस्थापक अरबपति जैक मा के भारतीय कोर्ट में चक्कर काटने के दिन करीब आते नजर आ रहे हैं। 20 जुलाई को एक पूर्व कर्मचारी की शिकायत पर गुरुग्राम कोर्ट ने अलीबाबा के संस्थापक जैक मा को 29 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। हालांकि 29 जुलाई को इस मामले में सुनवाई नहीं हो पाई। ये मामला गुरुग्राम की अदालत में दर्ज है। अदालत ने अलीबाबा के संस्थापक जैक मा को समन भेजने से जुड़े मामले को गुरुवार तक के लिए टाल दिया है। इस मामले की सुनवाई न होने का कारण ये बताया गया कि पिछली बार रेगुलर बेंच के जज छुट्टी पर थे, लिहाजा इस मामले को लिंक कोर्ट में भेज दिया गया। लिंक कोर्ट के सिविल जज सोनिया शिवखंड ने इस मामले में सुनवाई करते हुए पिछले बार समन जारी किया था। रोस्टर के हिसाब से बुधवार को उनकी कोर्ट में बैठक नहीं होनी थी और ये सुनवाई भी नहीं हो पाई। ये मामला जज सोनिया शिवखंड को ही सुनवाई के लिए दे दिया गया है। दरअसल जैक मा के पूर्व कर्मचारी पुष्पेंद्र परमार ने एक अर्जी दायर की थी जिसमें कहा था कि जैक मा की कंपनी यूसी वेब भारत में अस्थिरता पैदा करने के लिए फेक न्यूज दिखाती आ रही थी। कोर्ट ने ये समन इसी अर्जी के आधार पर किया है। पुष्पेंद्र सिंह परमार यूसी वेब नाम की कंपनी के गुरुग्राम ऑफिस में 2017 तक एसोसिएट डायरेक्टर के पद पर रह चुके थे। पुष्पेंद्र सिंह परमार ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा था कि जैक मा की कंपनी यूसी वेब भारत में फेक न्यूज फैला रही थी। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उनको नौकरी से निकाल दिया गया। पुष्पेंद्र ने कुछ खबरों का हवाला देते हुए कोर्ट को बताया कि साल 2017 में इस वेबसाइट ने खबर दिखाई कि आधी रात से 2000 रुपए के नोट भारत में बंद हो जाएंगे। इसी तरह एक बार वेबसाइट पर फेक खबर चलाई गई कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया है। पुष्पेंद्र ने ये भी बताया कि उन्हें बिना किसी कारण के नौकरी से निकाल दिया गया था, जिसके चलते वो आर्थिक और मानसिक रूप से एक साल तक परेशान रहे। कैसी लगी आपको ये खबर कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और इसी तरह की अन्य खबरों के लिए सब्सक्राइब करें तरकश।